हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ इस वाले शू रैक का रिव्यू जो कि है अमेज़ॉन से। सो अगर वीडियो यूजफुल लगे, अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सो गाइस, इस मेहनत को थोड़ा सा वसूल करने के लिए, थोड़ा सा मुझे भी खुशी देने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो अब बात कर लेते हैं गाइज इस वाले प्रोडक्ट की। सो गाइज, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया, और हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी हो ना तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और गाइज, आप सोशल मीडियाज़ पर भी फॉलो कर सकते हो, सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही देखने को मिलेंगे, वहाँ पर जाइए, ओपन कीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। सो गाइज, अब बात करते हैं इस वाले शू रैक की। सो गाइज, ये है आइसिस का शू रैक जो कि है 2372 रुपीज़ में मुझे मिला है। इसकी जो कॉस्ट है वो है गाइज 8500 रुपये, लेकिन डिस्काउंट पर ये मुझे मिला 2372 रुपये का, ठीक है। लेकिन आपको ये अभी रिसेंटली मैंने अभी चेक किया तो उस पर ये 2400 कुछ रुपीज़ का था, लेकिन आपको ये ईजिली 2500 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगा। तो या अब बात कर लेते हैं, इसकी हो गई कॉस्ट की बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैसा है। सो गाइज, ये कुछ इस टाइप का है, साइड में आप फोटो देख सकते हैं, ये आपको सोशल मीडिया या फिर अमेज़ॉन पर ये कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। ये है 10 लेयर्स का, ठीक है। 10 लेयर्स मतलब ऐसे है कि जब आप इसको असेंबल करोगे, मैंने जैसे इसको असेंबल किया है तो उसमें ये मुझे ऐसे 10 लेयर्स मिली, ठीक है। सो वैसे तो ये 5 है, ठीक है, लेकिन इसमें एक एक ऐसे टक कर दी गई, मैं जैसे ये जो बीच में ऐसे हुक दिया गया है तो इस हुक में ऐसे करने के बाद में ये हो गया 10 लेयर्स का। सो आप इजली इसमें 20 pairs ऑफ शूज अपना ऐसे इजली कैरी कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। मैंने अभी दिखाने के लिए आपको 2 pairs रखे हुए हैं, आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी बड़े हैं, ऐसे तो देखने को प्रॉपर साइज है। एंड गाइस, काफ़ी अच्छा ये स्पेस है, ठीक है, सारी चीज़ सही है, लेकिन इसका जो देखो प्लस पॉइंट भी होते हैं और इसके माइनस पॉइंट भी हैं। तो क्या है कि ये प्लस पॉइंट ये है कि आप इसमें इजीली 20 pairs ऑफ शूज़ अपने रख सकते हो, ठीक है। अब जो बात करूँ अगर मैं कि इसका माइनस पॉइंट क्या है, तो आप इसका देखो मटेरियल देखो गाइस, मटेरियल ये आपको जब आप ऑनलाइन सर्च करोगे ना इसको आइसिस का शू रैक, तो उसमें ये काफ़ी अच्छे रेटिंग्स पर था। आई थिंक ये अराउंड 15,000 समथिंग लोगों ने परचेज किया हुआ है। लेकिन गाइस, अब आप एक बात बताइए, जब उस पर मेंशन है कि प्लास्टिक देखो कई तरह की होती है, लेकिन ये जो प्लास्टिक है आई थिंक पीवीसी वाली है, उस पर जो कुछ ऐसा ही मेंशन था पीवीसी प्लास्टिक, जो कि हॉर्डिंग्स वगैरह के काम आते हैं। आपने देखा होगा रोड्स पर आपको हॉर्डिंग्स जो मिलते हैं वो थोड़ा सा पिन्नी वाली चीज़ों के होते हैं, प्लास्टिक, ठीक है, उसको भी हम प्लास्टिक ही बोलते हैं। तो उसका थोड़ा सा हार्ड वाला जो प्लास्टिक होता है ना, सेम वही है। आपने अपनी कॉपीज़ पर या फिर बुक्स पर आपने देखा होगा कि वाइट पॉलोथीन जो हम उन पर चढ़ाते हैं, कवर चढ़ाते हैं, सो गाइज ये वही वाली प्लास्टिक है, बस उससे थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, आपको सीधी वाली आसान वाली लैंग्वेज में बता रही हूँ। तो गाइज, ये कुछ इस टाइप की प्लास्टिक है। ये अगर बात करूँ इसकी स्टर्डीनेस की, सो गाइज ये बिल्कुल भी स्टर्डी नहीं है, पहले तो आप देखो, ठीक है, देखो एक उंगली से, ठीक है, ऐसे एक फिंगर से ये कितना मतलब ऐसे वो हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसके ये जो प्लास्टिक है, इसमें थोड़ा सा पिन लगा, थोड़ा सा आपके शू की लेस लग गई या फिर आपके सैंडल्स की कुछ ऐसा लाइक कुछ ना कुछ लग गया, तो देखो ये पूरा का पूरा फट जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये इसकी माइनस पॉइंट है, ठीक है। चलो इसको भी देखते हैं कि भाई इससे ये भी लीड जरूरी है कि भाई ढकने के काम आ जाएगी, कोई नहीं, डस्ट वगैरह नहीं जाएगा, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा सेफली कैरी कर लेंगे, इतना ही कर सकते हैं। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं इस वाली चीज़ की। तो अब आप ये वाला देखिए, इसका जो मटेरियल, प्रॉपर मटेरियल, ये वही मटेरियल है गाइज। देखो मैं आपको एक निकाल कर भी दिखा देती हूँ। सो गाइज, ये जो मटेरियल है देखो कितना हल्का है, ये ऐसा हॉर्डिंग्स वाला जो मटेरियल होता है ना, ये कुछ इस टाइप का है, बिल्कुल पॉलीथीन वाला मटेरियल है, बिल्कुल भी स्टडी नहीं है। अगर आप इस पर सैंडल 2-4 रख दोगे ना, तुरंत ही वो ऐसे नीचे को निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका माइनस पॉइंट है। एंड इसका एक ये प्लस पॉइंट है कि जैसे आपके लॉन्ग्स, जो लॉन्ग बूट्स वगैरह होते हैं जैसे ये हैं, तो आप इनको देखो, यहाँ पर तो ये आएगा नहीं,
तो आप यहाँ पर इसको ऐसे इजीली कैरी कर सकते हो, ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन सिर्फ एक इसी रीज़न की वजह से, इसकी जो मटेरियल, प्रोडक्ट मटेरियल है, इसकी वजह से ही मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। क्योंकि गाइस इसको आए हुए 2-3 दिन हुए, तो मैंने काफ़ी सोचा कि ठीक है मैं इसको रख कर देख लेती हूँ 2500 रुपये में क्या ही हो रहा है। लेकिन गाइस मुझे बस यही है कि थोड़ा सा पिन लगा या थोड़ा सा सैंडल की कुछ ऐसा लगा तो ये तुरंत ही ख़राब हो जाएगा। तो उस चीज़ से अच्छा है कि जो ड्रॉर्स आते हैं ऑर्गेनाइजर वाले, उसमें आप इजीली इनको कैरी कर सकते हो, इजीली आप रख सकते हो, डस्ट भी नहीं जाएगा और अच्छे से वो कैरी भी हो जाएगा, ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ सोचा मैंने। तो गाइज उसका भी रिव्यू आपको जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने वो ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी एंड या सो कुछ इस टाइप के हुक्स आते हैं जिसमें आप ऐसे टक कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी ऐसे 5 से 10 लेयर बन जाती हैं, ठीक है। सो या यही सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। अब बात करूँ इनके इन वाले हुक्स की, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, काफ़ी अच्छे से इसको ये असेंबल करने में हेल्प करते हैं। और कैसे कैसे मैंने असेंबल किया वो भी आपको अभी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो गाइज वैसे तो ये काफ़ी सही प्रोडक्ट है, अगर आप अलग से एक तरफ इसको रख दो और आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो ये प्रॉपर अच्छा वर्क करने वाला प्रोडक्ट है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा आपको ना इसको सेफली ही कैरी करना पड़ेगा एंड या सो या देखो ये है ना बार बार ऐसे ऐसे हुआ जा रहा है, और जब आप इसको ऐसे करोगे ना तो देखो ये ऊपर से तो ये नीचे को आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इसको टक करने के लिए बार बार ऐसे करना पड़ता है, आप समझ रहे हो, ठीक है। सो या इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं लगी, मैं आपको सच बताऊँ तो एंड या सो अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो देखो मैंने तो इसको सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें ये काफ़ी सही स्पेस है कि आप इसमें अपने दो दो पेयर्स ऐसे रख के 20 पेयर्स कर सकते हो इसमें और इजली कैरी। और वैसे भी ये स्पेस इसका विड्थ में भी काफ़ी अच्छी है, विड्थ में भी काफ़ी अच्छी है, लेंथ में भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर। गाइज देखो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, जितना मतलब मुझे लगा, जो मुझे समझ में आया, जितनी डिटेलिंग मुझे लगी, ठीक है, कि आपको बतानी चाहिए, मैंने हर एक डिटेलिंग बताई। लेकिन मैंने एक डिटेलिंग और बतानी है आपको, वो मैं आपको आगे वीडियो में ही बताऊंगी। देख लो मैंने इसको कैसे असेंबल किया, असेंबल करने में भी मुझे ये 2 बारी करना पड़ा, क्योंकि गाइज एक बार मैंने लगाया तो जो इसके हुक्स आते हैं उनको एडजस्ट नहीं कर पा रही थी मैं। फिर मैंने यूट्यूब पर देखा, मैं आप लोगों की तरह ही यूट्यूब पर वीडियोस देखती हूँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है फिर उसको देखने के बाद मैं उसी तरीके से करती हूँ। तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी कि ये कैसे कैसे असेंबल होगा, तो जो इसमें जो साइड्स में हॉल्स दिए होते हैं ना उनको आपको इनर साइड में करना होता है, जिससे कि वो जो हुक्स हैं जिससे कि आप 5 से 10 लेयर का बना सकते हो, वो हुक्स आपको इनसाइडली रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो उसमें आप टक कर सकते हो उन वाले हुक्स को। तो गाइज इस तरीके से फिर मैंने इसको असेंबल किया, और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो ना तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो गाइज मैंने इसको असेंबल किया, लुक वाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर आप अपने किसी कॉर्नर को, घर के कॉर्नर को बहुत ही लग्जूरियसली थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहते हो ना, और आपको पता है कि हाँ भाई फुटवेयर्स भी रखने हैं, तो गाइज ये बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट है। लेकिन गाइज सिर्फ एक ही रीज़न से कि ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है, लाइक मैं आपको क्या बताऊँ कि थोड़ा सा नील लग गया या फिर थोड़ा सा भी कुछ भी पिन लग गया ना तो भी ये एक बार जहाँ पर इसमें होल हुआ वहीं से ये पूरा का पूरा फटता हुआ चलाएगा, क्योंकि गाइज ये बहुत ही ज़्यादा थिन वाली प्लास्टिक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो मुझे इसलिए इसकी क्वालिटी बेकार लगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहती हूँ। लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, रेंज थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा लगी मुझे अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, एंड गाइज इसी वजह से मैंने इसको रिटर्न किया। लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, ब्रिलियंट प्रोडक्ट है वैसे तो लुक वाइज। अगर मुझे ये प्लास्टिक में मिलता है तो मैं इसको रीऑर्डर जरूर करूँगी। एंड गाइज ये इतना भी पोर्टेबल नहीं है कि आप इसमें मतलब व्हील्स वगैरह लगे हो तो आप इसको ईजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन गाइज इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसको आप उठाओगे तो ये सारे के सारे निकल जाएंगे, फिर से असेंबल करना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर कर देना।